हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रिय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो एंड आशुस का। दोस्तों, आरओजी एडिशन अवेलेबल हो गया है एमआईयूआई 12 के साथ अपने रेडमी नोट 4 मीडियो के लिए, जो कि आपको एंड्रॉइड 10 के साथ मिलता है। सबसे पहले चलते हैं भाई सब सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स के अंदर दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर अभी एक आरओजी एडिशन लिखा गया है, आशुस की तरफ से मिलता है। एमआईयूआई 12.2 है दोस्तों, एज वेल दोस्तों यहाँ पर 20.9.24 बीटा के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है रेडमी नोट 4 के अंदर। एंड यहाँ पर जो डेवलपर है, डेवलपर का नाम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ऑल स्पेक्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट आरओजी के साथ रेडमी नोट 4 के अंदर। आरओजी एडिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 5th ऑफ सितंबर 2020 का। सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाती है, जो कर्नल यूज किया गया है दोस्तों, प्योर कफ कर्नल को यहाँ पर यूज किया गया है रेडमी नोट 4 के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है, हमें यहाँ पर लगी है। नाउ बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर आरओजी एडिशन के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले जो चेंजेस किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप सीरीज के आइकन के अंदर देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पर जो आइकॉन्स है सीरीज के अंदर काफी ज्यादा नया एंड लुक मिलता है, नया एंड अच्छा लुक हमें मिल जाती है इस आइकॉन के अंदर। एंड सबसे मेजर जो आपको यहाँ पर चेंजेस मिलेगा वो है दोस्तों वॉलपेपर के अंदर। वॉलपेपर आप देख पाओगे आरओजी का वॉलपेपर मिलता है, इससे अलावा भी आपको बहुत सारी आरओजी की तरफ से वॉलपेपर मिल जाती है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले चलते हैं दोस्तों थीम्स के अंदर, आपको नया कुछ थीम्स दिखाई देती है माई अकाउंट के अंदर। उसके बाद थीम्स के अंदर यहाँ पर आपको कलर ओएस 7.0 का थीम दिखाई देती है, पिन इंस्टॉल मिलती है। उसके बाद हेक्सागन वेस यूआई का आपको थीम दिखाई देती है, एज वेल दोस्तों आपको यहाँ पर आरओजी थीम भी मिल जाती है। सो यहाँ पर सिंपली हम जो आरओजी थीम है उसे अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एंड ये जो हमें दोस्तों एमआई 2 डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। एज फॉर नाउ दोस्तों, अभी भी मैं रेडमी नोट 4 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये जो आरओजी का थीम है हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, एंड कुछ इस तरह से मिलता है दोस्तों आरओजी का थीम। एंड आप बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा आरओजी का थीम। मुझे दोस्तों पर्सनली ठीक ठाक लगा है, एक्चुअली मेरा स्क्रीन टूट गया है इसलिए मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता, बट फिर भी थीम जो दोस्तों ब्लैक के साथ मिलता है काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर लगी है। एंड दैट्स ऑल, बाकी अभी फिलहाल जो डिफॉल्ट है उसे हम अप्लाई कर देते हैं। सो नया आपको कुछ थीम मिल जाती है, तीन नया थीम मिलती है, कलर डॉइस 7.0, हेक्सागन एंड जो आरओजी का थीम है वो तो हमें मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों डिफॉल्ट जो सीनिस लेआउट है उसे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। एंड देखिए बारे यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिलती है, जो कि काम करते हैं काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। ग्लिंस फॉर एमआई का ऑप्शन है, चार्जिंग एनिमेशन के अंदर एक चेंज आया है दोस्तों, आपको नया चार्जिंग एनिमेशन मिलेगा ग्लो के अंदर, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको नया ब्लूटूथ का आइकॉन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नया ब्लूटूथ का आइकॉन एज वेल दोस्तों, यहाँ पर आपको नया वो वाईफाई का भी आइकॉन देखने को मिलेगा। एंड आपको जो ब्लूटूथ मीडिया चेंजिंग का आइकॉन है वो भी नया डाला गया है। उसके बाद दोस्तों आपको नया बूट एनिमेशन दिखने को मिलेगा, यस इस रॉम के अंदर आपको नया बूट एनिमेशन मिलेगा। जो एनिमेशन है दोस्तों आशुस का एनिमेशन है, काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे, आपको कैसा लगा हमें लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर आपको दोस्तों जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसे ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। आप में से बहुत से लोग पूछते हो क्या इंडोनेशियन लैंग्वेज का सपोर्ट है, तो यस ब्रो, दिस रॉम सपोर्ट इंडोनेशियन लैंग्वेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो स्मूथनेस है दोस्तों उसे इंक्रीज करके दिया गया है, आपको बहुत ही स्मूथ रॉम मिलेगा। एज वेल दोस्तों आपको यहाँ पर नया फॉन्ट को भी डाला गया है, अगर आप फॉन्ट को यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ग्लोब मोड मिलता है, एंड सिस्टम फॉन्ट के अंदर जाके आपको नया फॉन्ट मिलता है। तो जो भी आपको पसंद आया यहाँ से देख पाओगे बहुत सारी फॉन्ट है। यहाँ पर आपको प्योर गूगल सैन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप गूगल सैन यूज करना चाहते हो, मुझे बस सुनिए काफ़ी पसंद है। इवन गूगल प्रो का भी ऑप्शन मिल जाती है, सो कुछ नया आपको फॉन्ट्स मिल जाती है, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। मिलियन प्रो एंड्रॉइड 11 थीम का भी ऑप्शन है। सो अभी फिलहाल जो गूगल प्रो फॉन्ट है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे, आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, एंड आशुस की तरफ से वॉलपेपर मिलती है। बाकी देखते हैं और क्या क्या वॉलपेपर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो यहाँ पर चलते हैं वॉलपेपर के अंदर, एंड यहाँ पर माई वॉलपेपर के अंदर देख पाओगे दोस्तों आपको कुछ कुछ एक्सटर्नल वॉलपेपर मिलती है, जैसे कि ये जो वॉलपेपर है नया वाला है, एंड ये देख पाओगे ये दोस्तों नॉर्मल है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है। एंड यहाँ पर देख पाओगे कुछ नेचुरल वॉलपेपर मिल जाती है, नया डाला गया है। एंड अब देख ही पा रहे हो ये सभी आरओजी एडिशन के अंदर और आरओजी थीम रॉम के साथ आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एंड आरओजी डायनामिक करके अलग से दिया गया है, इसे शायद आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ कुछ डाउनलोड करना होगा, एंड आरओजी की तरफ से देख ही पा रहे हो।
सो आरओजी थीम आपको यहाँ पर मिलती है, आरओजी वॉल पर मिलती है, आपको और क्या चाहिए। आपका जो फोन है तो कम्प्लीटली जो आरओजी है उसको उसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, सिर्फ थीम वॉल पर ही है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो ये बाई डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलती है। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो आपको प्ले स्टोर के अंदर मिलेगा। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है काफ़ी बढ़िया है, आपको 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा, इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट मिलेगा, बिटरेट को चूज कर सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड यहाँ पर ये जो रॉम है तो प्री रूटेड रॉम नहीं है, आपको इस रॉम को अलग से रूट करना होगा, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर प्री रूटेड होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एंड अगर बात करूँ रैम मैनेजमेंट की, तो इस रॉम का जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी इंप्रूव किया गया है, काफ़ी अच्छा रॉम मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एज वेल अगर आप कॉर्नर से स्वाइप करना चाहते हो दोस्तों, उसका भी ऑप्शन मिल जाती है। एंड लास्ट बिल्ड के अंदर कॉर्नर से स्वाइप करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट इस बिल्ड के साथ जो कॉर्नर से स्वाइप करने का ऑप्शन है उसे इनेबल कर दिया गया है। आपको फुल स्क्रीन गेस्चर्स में आके यहाँ पर स्वाइप अप फ्रॉम द कॉर्नर टू एनेबल गूगल असिस्टेंट। सो यहाँ पर आप गूगल असिस्टेंट आराम से कॉर्नर से स्वाइप करके एनेबल कर सकते हो। फिलहाल मैं जो एज गूगल असिस्टेंट इसे यूज नहीं करना चाहता हूँ। एनीवे आपको फुल स्क्रीन गेस्चर्स का सपोर्ट मिलता है, बटन्स का ऑप्शन मिलता है, ये काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 100 मोड का ऑप्शन है, एग्रेसिव टच का भी ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइस कलर लॉक है उसके बारे में। सो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर आपको प्योर काफ कर्नर मिलता है जो कि काम कर रहा है, लेटेस्ट वर्सन है। यहाँ पर आपको AOD मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाती है। अगर आप AOD यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से AOD को भी यूज़ कर सकते हो, बट Redmi Note 4 के अंदर कोई भी काम का नहीं है क्योंकि दोस्तों LCD स्क्रीन है, तो ये जस्ट दिखाने के लिए है। एंड यहाँ पर आपको Xiaomi पार्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाती है, उस सब अवेलेबल अगर करना चाहते हो। देखो भाई साहब बग देखो, इसलिए मैं कहता हूँ जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है उसे यूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा बग नहीं देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर बग आ गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसमें स्विच कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको GPU बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको बहुत ही काम का है। एंड यहाँ पर आपको MIUI 11 के अंदर पार्ट्स मिलेगा, मतलब जो Xiaomi पार्ट्स है उसको यहाँ पर हाइट रहता है, आपको अलग से यहाँ पर जो Xiaomi पार्ट्स है उसे इनेबल करना होगा। ये देखो भाई साहब इनेबल हो जा। सो फिलहाल Xiaomi पार्ट जो है दोस्तों इनेबल नहीं हो रहा है, एनीवे कोई बात नहीं दोस्तों। एंड स्टेबिलिटी क्रिप उसे भी डाल दिया गया है। एंड PUBG कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मोबाइल लेजेंड के अंदर दोस्तों आपको हाई FPS को अनलॉक कर दिया गया है, बट भाई साहब एक सिर्फ गिमिक है दोस्तों, एक कोई भी काम का नहीं है। ब्राइटनेस इशू जो है दोस्तों उसे फिक्स कर दिया गया है, ब्राइटनेस के अंदर अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन कॉल ऑडियो इशू को फिक्स करके दिया गया है, डिफरेंट कलर नोटिफिकेशन LED इशू को फिक्स करके दिया गया है, कलर कैलिब्रेशन को ठीक किया गया है। एंड जो फिंगरप्रिंट वेकअप का इशू है वो भी ठीक करके दिया गया है। एंड फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट है, देखिए भाई साहब फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट है, फिंगरप्रिंट के अंदर कोई भी इशू नहीं है, फिंगरप्रिंट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको FM रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाती है, अगर आप FM रेडियो की यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। FM रेडियो को भी फिक्स करके दिया गया है, हीटिंग इशू को फिक्स करके दिया गया है, जो स्क्रीन कास्टिंग है उसे फिक्स करके दिया गया है, जो GPS लोकेशन है उसे ऑप्टिमाइज किया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो थर्मल इंजन है उसे मॉडिफाई किया गया है फॉर बेटर चार्जिंग स्पीड। एंड कुछ नेसेसरी एप्लीकेशन जो कि आपको MI का एप्लीकेशन मिलता है उसको हटा दिया गया है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है। बट इस रॉम के साथ आपको प्ले स्टोर मिल जाती है, प्ले स्टोर को आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिलती है। एंड प्ले बटन सर्टिफिकेशन की बात करूं, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, इसका मतलब है जो UPI बेस्ड एप्लीकेशन है तो इस रॉम के अंदर काम नहीं आती है। और एक बात है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो कैमरा टिप है वो अनेबल है, तो आप आराम से जो गूगल कैमरा है उसका मजा ले पाओगे इस रॉम के अंदर, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आई है। एंड सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, गेमिंग के लिए दोस्तों आपको इंक्रीज किया गया है परफॉर्मेंस को। एंड सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये जो रॉम है गेमिंग रॉम आप कह सकते हो, पर प्रॉपर गेमिंग आप कर सकते हो नहीं वो आपको खुद से टेस्ट करके देखना होगा। मैंने अभी इस रॉम के अंदर कोई भी गेम को टेस्ट नहीं किया है। एंड इस रॉम को फ्लैश करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ TWR रिकवरी से इस रॉम को फ्लैश कर देना होगा। एंड दैट्स ऑल, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे सबसे इस रॉम को आप ट्राई करके देखो, इस रॉम के अंदर फिलहाल कोई भी मेजर बग नहीं है, शायद UPI बेस्ड एप्लीकेशन काम कर जाए अगर आप मैजिक की यूज करते हो तो। बाकी ये जो रॉम है काफी बढ़िया रॉम है, काफी स्मूथ रॉम है। एंड इस रॉम का डाउनलोडिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एज वेल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको इस रॉम को यूज करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है जरूर से कमेंट कर बताना, रिपोर्ट कर देना। एंड इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो भाई सब इंस्टाग्राम में आओ एंड मुझसे बात कर सकते हो। एंड इस रॉम को जरूर से ट्राई करके देखिएगा, इस रॉम का डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। Redmi Note 4 के साथ साथ जो Xiaomi MIUI 2 डिवाइस है उसके लिए भी ये रॉम अवेलेबल है, एंड उसका भी वीडियो जल्दी से आने वाला है। शायद इस वीडियो के साथ साथ आ गया और इस वीडियो के आगे आ गया, आई डोंट नो, बट देख लेना। ओके चलो बाय।